हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद टारगेट। आज की वीडियो में बात करेंगे हम डीआरडीओ सेप्टम 10 की वैकेंसी एडमिन एंड एलाइड के बारे में। जैसा कि लगभग कैंडिडेट काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि आखिरकार एडमिट कार्ड कब तक आएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि आपके एग्जाम कब तक है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि आपके लगभग पूरा प्रोसेस है कि प्रीवियस एग्जाम से लेकर फिर भी लगभग काफी कमेंट आते रहते हैं, तो एक बार मैं आपको फिर बता रहा हूँ एकदम पूरा निश्चित एनालिसिस करके, यानी कि प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम एडमिट कार्ड के प्रोसेस को लेकर। तो वीडियो को पूरा देखें जैसे आपको पूरी अपडेट आपको मिल जाएगी। तो देखते हैं वीडियो। जैसा कि आपके स्टेट बी का एग्जाम हुआ था जिसकी रिजेक्शन लिस्ट आई थी 14 अक्टूबर को 2022 को इसकी रिजेक्शन लिस्ट आई थी और उसके बाद लगभग उसके लिए उनके आपके एडमिट कार्ड 29 अक्टूबर को 2022 को लगभग इसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए थे, और जिसके लगभग एग्जाम 3 दिन ही चले थे। जिस कारण इसके प्रोसेस को, यानी कि 3 दिन में लगभग एडमिट कार्ड का, यानी कि कम कैंडिडेट एग्जाम देने आ रहे होंगे, जिस कारण इसके लगभग 3 दिन आपके एग्जाम चले और इसका लगभग प्रोसेस रिजेक्शन लिस्ट आने के बाद लगभग सबके एडमिट कार्ड जल्दी जारी कर दिए होंगे, जिस कारण लगभग आपके लगभग 28 अक्टूबर को एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। और स्टे ए का देखते हैं हम, स्टे ए की रिजेक्शन लिस्ट आई थी आपके 28 नवंबर को 28 नवंबर 2022 को, तो जिसके लगभग रिजेक्शन लिस्ट आने के बाद लगभग आपके एडमिट कार्ड लगभग एडमिट कार्ड 23 और 24 के आसपास लगभग इसके एडमिट कार्ड जारी किए गए स्टे ए के, यानी कि लगभग 25 से 26 दिन बाद रिजेक्शन लिस्ट आने के बाद 25 से 26 दिन बाद। अभी लगभग देखते हैं आपके जो आपकी इसकी रिजेक्शन लिस्ट आई है 14, जैसे कि डबल ए इसकी रिजेक्शन लिस्ट आई लगभग 17 फरवरी को, तो 17 फरवरी को इसकी रिजेक्शन लिस्ट आई है। तो लगभग इसके हम लगभग 15 से 20 दिन काउंट कर लेते हैं कि जिसके बाद आपके लगभग एडमिट कार्ड जारी होने की संभावना बन सकती है, यानी कि 8, यानी कि ये 3 दिन हो गए 17 के बाद लगे 8 दिन, यानी कि 11 और 5 15, यानी कि 5 मार्च, यानी कि 5 मार्च के आसपास, यानी कि आपके मार्च के फर्स्ट वीक में आपके लगभग एडमिट कार्ड जारी होने की संभावना बन सकती है, यानी कि 1 मार्च से लगभग 7 मार्च तक आपके लगभग एडमिट कार्ड जारी होने की संभावना बन सकती है। तो जिसके लगभग आपके लगभग 10 दिन बाद, यानी कि अगर 1 मार्च को जारी होगा आपके एग्जाम, यानी कि एडमिट कार्ड, तो लगभग आपके 13 से 14 मार्च के आसपास लगभग आपके एडमिट कार्ड, यानी कि आपके एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं। अगर 1 मार्च को आपके लगभग एग्जाम, यानी कि एडमिट कार्ड आएगा, तो लगभग आपके 13 से 14 से आपके, यानी कि एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं। अगर लगभग 5 मार्च के आसपास अगर आपका एडमिट कार्ड आया, तो लगभग आप 15 से लगभग 20 मार्च तक आपके लगभग एग्जाम होने की संभावना पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो इसी डेट के लिए मैंने आपको बताया लगभग 13 जो लगभग कैंडिडेट बोले थे, लगभग 13 मार्च को आपका एग्जाम होने की संभावना बन सकती है। बिल्कुल ये सच है कि लगभग ज्यादा पॉसिबिलिटी मुझे भी लगभग लग रही है, यानी कि जो मुझे मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक लग रहा है कि लगभग आपके एग्जाम 13 मार्च से भी होने की संभावना बन सकती है। तो लगभग 13 से 25 के बीच में लगभग आपके एग्जाम होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो ये पूरी अपडेट आपको कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। आगे की वीडियो में जल्द मिलेंगे, तो ये पूरी डिटेल आप देखना, बार बार आप कमेंट ना करें जिससे मुझे भी परेशानी ना हो और आप भी लगभग एक बार समझ जाए अपनी तैयारी करें। मैंने डीआरडीओ के लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके डीआरडीओ में लगभग हर तरह के लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, कौन कौन से डीआरडीओ ने उपक्रम बनाए, उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रखी है, तो वो वीडियो आप देखें जिससे आपको सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएंगे और आपको उन क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये पूरी अपडेट है, आगे की वीडियो में जल्द मिलेंगे कोई अपडेट होगी तो। जय हिंद, जय भारत।